और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको पल पल की अपडेट पहुंचवाने के लिए। अनिल निष्णात हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, असद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, और हंस राज सिंह अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अनिल आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, आज अयोध्या में पूरे दिन किस तरह का राजनीतिक जमावड़ा लगने वाला है तमाम पार्टियों की ओर से? देखिए आज पांचवें चरण का अंतिम दिन है जो प्रचार का आज थम जाएगा। आज कुछ अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं वो जनसभा करेंगे और उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य वो अयोध्या में रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो है चुनाव माहौल शांत हो रहा है, तो पूरी जो भी पार्टियां हैं पूरा दमखम लगा करके वो अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में वो पूरा दम झोंक रहे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ साथ अपना दल की जो है अनुप्रिया पटेल वो भी अयोध्या पहुंची थी, उन्होंने भी लल्लू सिंह के पक्ष में वोट मांगा था। तो आज अंतिम दिन है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़ी जनसभा और रोड शो का जो हो करेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या का समीकरण बहुत साफ है और 80-20 की लड़ाई जो है उसको कहीं ना कहीं जो है साधने की कोशिश आज जो है प्रत्याशियों के पक्ष में जो बड़े नेता है अपने अपने दल के वो करने की कोशिश करेंगे। जी जी हमारे साथ स्कंदिता मिश्रा भी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट, दिग्गज की सीट, ऐसे में यहां से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। आज यहां पर पूरे दिन किस तरह का जमावड़ा राजनीतिक पार्टियों की ओर से रहने वाला है? स्कंदिता आवाज आ रही है आपको? तो चलिए शायद स्कंदिता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमेठी से हमारे साथ हमारे संवाददाता हंसराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसराज, आज यहां पर गृहमंत्री अमित शाह तो आएंगे ही, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो भी आने वाली हैं। तो आज अमेठी में पूरे दिन किस तरह से राजनीतिक जमावड़ा रहने वाला है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो है आज चुनाव का आखिरी दिन है और आज के बाद आज शाम तक जो है चुनाव पट्टा थम जाएगा। और वही अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी चूंकि हॉट सीट है और लगातार इस पर लोगों की निगाहें बनी रहती हैं और अमेठी में जो है लगातार हम बात करें तो अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री का दो दिन का कार्यक्रम लगा हुआ था, दो दिन मुख्यमंत्री आकर जा चुके हैं। और वहीं अभी कल की बात करें तो कल जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों जो है एक ही मंच पर संयुक्त रूप से जो है जनसभा को संबोधित किया था और अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का जो है आह्वान किया था। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने ही क्षेत्र में बनी हुई है, लगातार वो दो ढाई महीने से लगातार वो अमेठी में डेरा डाले हुए हैं। और वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार जो है अपने कांग्रेस के प्रत्याशी जो किशोरीलाल शर्मा हैं उनको जिताने के लिए और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए जगह जगह वो भी जो है जा रही हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और जो है कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और वहीं अगर हम आज बात करें तो आज जो है अमित शाह का जो है रोड शो है और रोड शो के साथ साथ जो है उनका जो है जनसभा भी है, लोगों को संबोधित करेंगे और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का जो है रोड शो है जिसमें कि भारी संख्या में लोगों को पहुंचने का जो है लगातार कयास लगाया जा रहा है। और ही बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इस रोड शो को भव्य रूप देने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और वही जो है जब अमित शाह आएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में और उनको जिताने का जो है वो प्रयास करेंगे और लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं जिसमें कि वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दूसरी बार जो है अमेठी से लोकसभा से जिताने का वो जो है कहीं ना कहीं मूल मंत्र भी दे सकते हैं। बिल्कुल 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 हंसराज, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, ऐसे में उनका ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असद खान रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, रायबरेली की बात कर ले तो हमने कल ही देखा था कि किस तरह से एक भावनात्मक अपील सोनिया गांधी की ओर से की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी को अपना रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूं। ऐसे में रायबरेली की बात कर ले तो आज रायबरेली में क्या तस्वीरें रहने वाली हैं पूरे दिन? बिल्कुल,
कल एक मंच आजा हुआ है, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, भावनात्मक अपील की गई कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। कहीं ना कहीं इसमें जन सैलाब निकला था और आज भी अगर बात की जाए तो रायबरेली में प्रियंका गांधी का रोड शो है, करीब 12 बजे से वो रोड शो स्टार्ट करेंगे और शहर क्षेत्र में कई जगहों पर जाएंगे, बिजली एरिया भी जाएंगी और अगर बीजेपी की बात की जाए तो हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है, वो भी आज उनका भी रोड शो है और तकरीब वो 3 बजे से रोड शो का स्टार्ट होगा और तकरीबन 5 बजे तक खत्म होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। जी, क्योंकि असर देखिए इन 14 सीटों में सबसे ज्यादा अगर किसी की जो निगाहें सभी की टिकी हुई हैं वो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में रायबरेली की बात कर ले तो आज रायबरेली में कितनी जनसभाएं किन पार्टियों की ओर से की जा रही है और कितने रोड शो किए जा रहे हैं? देखिए अभी तक जनसभाओं की तो कोई सूचना नहीं आई, लेकिन जो रोड शो है वो दोनों ही पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रोड शो में दिखाई देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिवेश प्रसाद सिंह के लिए हेमा मालिनी वोट मांगते हुए नजर जरूर आए। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। स्कंदिता, आपको आवाज आ रही है? तो शायद इस कंदिता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे और भी तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। बात कर ले अगर हम अयोध्या की, तो अयोध्या में क्योंकि देखिए इस बार काफी बदलाव भी हुए हैं, हर तरफ राममय माहौल है, ऐसे में किस तरह की परिस्थिति आप अयोध्या में देखते हैं? यहाँ पर क्या मुकाबले, यानी कि बहुकोणीय मुकाबला है, द्विपक्षीय मुकाबला है, किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं? देखिए अयोध्या हमेशा चुनाव का केंद्र बिंदु माना जाता है। अयोध्या से ही राम के नाम पे, चाहे वो राम मंदिर के नाम पे, भाजपा हमेशा से वोट लेने की कोशिश करती है। इस बार राम मंदिर को बनते तैयार, उसका कहीं ना कहीं भाजपा फायदा जरूर लेना चाहती है। लेकिन अयोध्या में अगर हम साथी की बात करें तो इस बार मुकाबला जो है दो कोड़िए लग रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो है इंडिया गठबंधन के हैं, वो भी लगभग पूरा जान झोंके के साथ बल्लू सिंह भी जो है उनके प्रचार में, खुद प्रधानमंत्री उनके रोड शो में आए थे, मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं और आज खुद जो है उप मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार अयोध्या में जो देखा है राम मंदिर के नाम पे लल्लू सिंह का जो है पुख पड़ रहा, कहीं ना कहीं भाजपा का भारी लग रहा है और उम्मीद यही जताई रही है कि कई लाख वोटों से उनके जीतने की उम्मीद जो है, जो हमने ग्राउंड जीरो से वो सर्वे किया है वो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या से जो भाजपा का पड़ रहा वो भारी नजर आ रहा है। जी, यानी कि आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चीजें तो हुई है, बदलाव भी हुआ है और राममय माहौल भी है, तो ऐसे में बीजेपी भी उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। अमेठी से हंसराज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसराज, अगर बात कर ले अमेठी की, तो अमेठी के लिए आज का दिन हर मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए चुनौती है इस गढ़ को बचाना, इस गढ़ में दोबारा से कांग्रेस को जिताना, और बीजेपी के लिए चुनौती है कि कमल के फूल को दोबारा से खिलाना। बात करें तो आज का दिन जो है अमेठी में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक जिस तरह से चुनाव प्रचार जाना है और उसके बाद फिर कोई ना तो रैली होगी, ना तो कोई जनसभा होगी, ना तो कोई रोड शो होगा, तो आज का दिन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और हम बात करें अगर आज की, तो आज अमेठी में जिस तरह से जो है अमित शाह का कार्यक्रम लगा हुआ है, और अमित शाह एक बड़ी बात माफ करिए हंसराज, एक बड़ी बात ये बताइए, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां दमखम अपना लगा रही हैं, लेकिन वादे क्या किए जा रहे हैं अमेठी की जनता से, बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की भी ओर से, क्योंकि कांग्रेस ने लंबा शासन यहां पर किया है, तो कांग्रेस यहां पर किन वादों के सहारे जनता से वोट मांग रही है? देखिए अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में गांधी परिवार की बात करते हैं तो गांधी परिवार अपना अमेठी से पुराना जो है रिश्ता मानता है और अपना पुराना नाता मानता है। क्योंकि अभी कल ही जिस तरह से राहुल गांधी आए थे और अमेठी में जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम अमेठी के हैं और अमेठी के रहेंगे और अमेठी जो है हमारा, हम भले ही जो है रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो है ये इनको अमेठी से हम लड़ा रहे हैं, तो ये अमेठी में उन्होंने अपील किया था कि अमेठी की जनता ये न समझे कि किशोरी लाल यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं और अमेठी में लोगों के साथ हम लगातार रहेंगे और किशोरी लाल शर्मा के माध्यम से हम अमेठी का विकास करेंगे। और वहीं राहुल ने ये भी कहा था कि जिस तरह से जो है अगर हम रायबरेली चुनाव जीतते हैं और रायबरेली को अगर हम 10 रुपए देते हैं विकास के लिए,
तो निश्चित तौर पे हम अमेठी के लिए भी 10 रुपए विकास का के लिए देंगे अगर मेरी सरकार बनी तो। इस तरह से राहुल गांधी जो है वो अमेठी से अपना रिश्ता मानते हैं और अपना पारिवारिक नाता मानते हैं, क्योंकि जो है उनके उनकी माता जी हों या उनके पिताजी हों, सब लोग यहाँ से अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सब लोग अमेठी से सांसद रह चुके हैं। और वही हम अगर स्मृति ईरानी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जब 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी आई थी, पहली बार आई थी, तब से उन्होंने जो है अमेठी के लोगों से जो है एक दीदी और भाई का रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर अमेठी सांसद या मैडम के नाम से स्मृति ईरानी नहीं पुकारी जाती है, यहाँ पर अमेठी के लोग उन्हें दीदी के नाम से पुकारते हैं और दीदी के नाम से अमेठी में स्मृति ईरानी जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना जो है एक रिश्ता बनाने का जो है काम किया है और लोगों से अपना एक रिश्ता बनाया है। जी। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जो है अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था और अमेठी के लोग जो है गांधी परिवार से जुड़े थे, वही 2019 में स्मृति ईरानी जो है दोबारा जब चुनाव लड़ी और 2019 में उन्होंने अमेठी में गांधी परिवार का किला जो है ध्वस्त किया था और यहाँ पर जो है भारी मतों से उन्होंने विजय बनाया था, तब से लगातार जो है स्मृति ईरानी भी अमेठी में बनी हुई है और विकास बिल्कुल सक्रियता। हंसराज, सक्रियता बहुत जरूरी होता है किसी भी क्षेत्र के लिए। उस सांसद, अगर वो सांसद है उस क्षेत्र का और उस क्षेत्र में कितना वो सक्रिय है, ये बहुत एक बड़ा पॉइंट होता है, एक मजबूत पॉइंट होता है उस प्रत्याशी के लिए भी और उस सांसद के लिए भी। रायबरेली से असद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद, रायबरेली की बात कर ले तो 2019 में मोदी लहर में भी रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, इस बार क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बार सोनिया गांधी नहीं है बल्कि इस बार राहुल गांधी हैं रायबरेली के इस चुनावी मैदान में। बिल्कुल अर्चना, देखिए अगर रायबरेली की बात की जाए तो 2019 का जो आपने जिक्र किया है बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं अगर रायबरेली की जो 2024 जाए तो उसमें भारी बढ़ती कांग्रेस जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो जनसैलाब जनसभाओं में उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग एकजुट होकर पहुंच रहे हैं, तो उसके जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है चुनाव तो आज कार्यकर्ता नहीं, चुनाव जनता लड़ रही है, तो ये जनता लड़ रही है चुनाव, लेकिन जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि जनता ने चुनाव लड़ा है और क्या चुनाव लड़ा है, वो फिर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो ये कांग्रेस का घर रहा है और कांग्रेस के दल को भेजना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से मिल का पत्थर साबित हो रहा है। बजे रायबरेली में तरीके नेता जो तरह से रणनीति बना रहे हैं, चार विधायक मनोज साड़े को भी शामिल कराया गया है, लेकिन भीतर जाति जो कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक ये नहीं है, गठजोड़ नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं से बीजेपी कमजोर होती जरूर दिखाई देती है। जी असद, देखिए जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके संगठन की कितनी मजबूती है, क्योंकि पार्टी नहीं बल्कि संगठन जमीन पर काम करता है। ऐसे में रायबरेली को लेकर किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं, खासतौर से संगठनात्मक मजबूती किस तरह से, कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी ने उसी प्रत्याशी को उतारा है जो जिसे उन्होंने 2019 में उतारा था और 2019 में वो सोनिया गांधी से हार गए थे, तो उनको ही दोबारा बीजेपी ने उतारा है, तो ऐसे में संगठनात्मक मजबूती किस तरह की देख रहे हैं आप रायबरेली में? देखिए संगठन मजबूत होना जरूरी है, मैंने पहले भी कहा संगठनात्मक जो मजबूती है वो जरूरी होती है चुनाव में बूथ स्तर को जीतने के लिए, लेकिन रायबरेली के जो हालात हैं वो जुदा है। 5 साल पहले 2019 में जब चुनाव लड़े थे 3.5 लाख वोट सोनिया गांधी के अगेंस्ट टीम में उनको मिला था और वोट का माध्यम सोनिया गांधी का कम हुआ था, कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया गया था, इसी को लेकर विजय प्रताप सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा दिखाया, वो जनता के बीच में भी रहे, लोगों के बीच में भी रहे, लेकिन क्यों अपनी छाप उस तरह से नहीं वो दिखाई दे रही है, ये एक चिंता का विषय जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है विजय प्रताप सिंह मुख्य जो मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरह से वो अपना मार्जिन वो जो पिछली बार का मार्जिन था वो मार्जिन तक पहुंच जाना और उससे आगे निकलना ये भी एक बात होगी बड़ी सोचने वाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरीके नेता जब रायबरेली में आते हैं तो वहां पर जो विधायक होते हैं प्रतिनिधि होते हैं वो नाराज है, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के जो विधायक हैं वो नाराज हैं, तो वो प्रचार प्रसार भी नहीं दिख रहा है, ये भी एक बड़ा चिंतन जरूर देखा जा रहा है फिलहाल। और जिस तरह से कांग्रेस का जिस तरह से भीड़ उमड़ती है, जिस तरह से जनता वहां पर आती है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर देगा चुनाव में।
जी असद, एक बड़ी बात ये बताई, क्योंकि देखिए बीते दिनों भी हमने देखा था कि मनोज पांडे से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी और कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो रायबरेली में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करे, क्योंकि आज अंतिम दिन है, क्या इस तरह के कोई आसार नजर आ रहे हैं आज? देखिए कल अमित शाह रायबरेली में थे, अमित शाह और मनोज पांडे को उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कराया, अब चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं से उत्तर मौर्य जो पांच तथा मौर्य के बेटे उन्होंने कांग्रेस कल ज्वाइन किए, तो राजनीति हर तरह से चल रही कि हम अपनी जो राजनीति में कहीं ना कहीं कामयाब हो, लेकिन अब चार दिन तो ये हालात सुंदर हो जाएंगे कि आखिरी स्थिति क्या होगी। अब ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अनिल निषाद भी लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। अनिल, बात कर ले अयोध्या की, तो अयोध्या में जाति समीकरण के हिसाब से देखिए आस्था तो जरूरी है, लेकिन आस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, तो ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर? अनिल, आवाज आ रही है आपको? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अनिल तक। हमारे साथ हंसराज भी लगातार बने हुए हैं अमेठी से। हंसराज, अगर हम बात कर ले अमेठी की, तो अमेठी में क्योंकि देखिए हॉट सीट रही है, 1967 में ये सीट जब निकल कर आई, उसके बाद 1972 में यहां पर चुनाव हुआ, पहले कांग्रेस ने यहां पर चुनाव जीता, उसके बाद एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का यहां पर रहा है। हालांकि बीच में भी एक बार कांग्रेस ने सीट को खोया था, 78 और 77 के बीच की ये बात है कि जब एक बार कांग्रेस ने सीट को खोया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने मजबूती से सीट पर जीत भी हासिल की थी। क्या आपको लगता है कि इस सीट को हारने के बाद क्या उस तरह की मजबूत आधार, मजबूत जमीन कांग्रेस की ओर से अमेठी में तैयार किया गया? देखिए, अगर हम बात करें अमेठी की, तो अमेठी में कांग्रेस का, मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और गांधी परिवार का ही इस पर कब्जा रहा करता था, गांधी परिवार के लोग ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। और अगर 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई, लेकिन राहुल गांधी से उन्होंने चुनाव हारा था, और 2019 में चूंकि वो लगातार 14 में आने के बाद वो अमेठी आती रही और लोगों से मिलती रही और जो है अपनी जमीन को तलाशती रही, वही 2019 में जो है वो जो राहुल गांधी को हरा करके अमेठी की सांसद बनी और अमेठी में चुनाव जीता, भगवा झंडा फहराया और कमल खिलाया। और वही कांग्रेस की बात करें तो 2019 से कांग्रेस जो है जब चुनाव हारी, राहुल गांधी जब चुनाव हारे, तो लगातार जो है अमेठी से दूरी बना के रखे, अमेठी में वो जो है 5 साल लगातार दूरी बना के रखे और अमेठी नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक बड़ा संदेश जाता है कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी से दूरी बना के रखे हैं और वही स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में लोगों के बीच जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा संदेश जाता है। और आप अगर चुनाव की बात करें, जब चुनाव आया तो काफी समय तक जो है अमेठी के लोग गांधी परिवार की मांग करते रहे, चाहे प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और चाहे राहुल गांधी भाई बहन को लेकर के लगातार अमेठी के लोग प्रयास करते रहे, अमेठी के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार ये मांग करते रहे कि अमेठी से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो सांसदी लड़े और उन्हें जो है अमेठी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। तो वही, लेकिन चूंकि जो है काफी समय तक कांग्रेस ने इस सीट पर जो है कोई पत्ता ही नहीं खोला था, अपनी बात को जो है किसको वो जो है चुनाव लड़ाएगा इस बात को उन्होंने दबा के रखा, एकदम समय आने पर जब समय आया, जिस दिन जो है नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन जो है किशोरी लाल शर्मा का नाम उछल के आया और किशोरी लाल शर्मा ने उस दिन जो है अपना नामांकन किया। और बिल्कुल हंसराज, हम देख भी रहे कि किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन के बाद लगातार वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा 5वें चरण के लिए, ऐसे में तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।